गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं मेघना आचार्य फॉर द ग्रुप ऑफ एजुकेशन से केमिस्ट्री फैकल्टी यूनिट फर्स्ट आज ले रही हूँ मैं, और जो कि हमारा बीएससी थर्ड पार्ट का है। बीएससी पार्ट थर्ड का ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय एनोलेट्स, इनोलेट से कार्बनिक संश्लेषण के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। बात करते हैं इनोलेट्स है क्या, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज करा रहे हैं, देन उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इनोलेट्स होता क्या है, देखो इनोलेट्स इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है इन प्लस ओले। अब देखिए इन प्लस ओलेट, अगर इसका हम अर्थ बताएं तो हम लोगों ने बताया था इन का अर्थ जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड, जिसे हमने बोला था द्विबंध। इसी तरीके से हमने ऑलेट का अर्थ बताया था ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, जिसे हम बोल सकते हैं ऋण आवेश। इन का अर्थ बताया था डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, ऑलेट का अर्थ बताया था ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश, ठीक है। अब अगर हम इनोलेट का अर्थ जाने, इनोलेट होता क्या है, तो इनोलेट क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन आयन का त्याग कर, देखिए कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन का त्याग कर अनुनाद में ऑक्सीजन पर ऋण आवेश का जुड़ना, अर्थात इसे हम बोल सकते हैं कि अनुनाद में ऋणावेश के साथ ऑक्सीजन अनुनाद में ऋणावेश पर ऑक्सीजन पर जुड़ना हमारा इनोलेट ऑक्सीजन पर स्पीसीज को, इनोलेट कहलाता है। यानी कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन का त्याग कर अनुनाद में ऑक्सीजन पर किसका नेगेटिव चार्ज का जोड़ना क्या कहलाता है, इनोलेट कहलाता है। हम एक बार इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मैं आपको पूरा ही एक बार रिवाइज कराऊंगी, मैंने आपको ये बोला था 10 मिनट अगर हमारे निकल जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पुराना हमने क्या पढ़ा एक बार आपको आना होना जरूरी है। हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम लेंगे CH3 सी डबल बॉन्ड 2 CH3 प्लस C2H5O-। देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड 2, ये तो है हमारा फंक्शनल ग्रुप। CH3 क्या है, अल्फा अल्फा, यहाँ पर अगर पूछा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस बात के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोजन ज्यादा सबसे ज्यादा अटैक कौन करेगा, यहां से हाइड्रोजन जो है वो अटैक करेगा किस पर, नेगेटिव चार्ज पर, अर्थात ये क्या बनेगा, C2H5OH, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहां क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे, सो C2, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया है, CH3 से एक हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन पर अटैक करता है, तो यहां पर बचा CH2, सी डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहां क्या अनुनाद की संरचना आ रही है, देखिए आ रही है बिल्कुल,
क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन निकल गया था, तो यहाँ पर क्या था माइनस, तो देखिए माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या है अनुनाद संरचना। अगर अनुनाद संरचना आती है तो हम क्या करेंगे, देखिए सी एच टू, यहाँ पर सी एच टू है सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ का हाइड्रोजन ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड निकलकर किस पे अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड निकल गया तो यहाँ माइनस चार्ज सी एच थ्री। अब बताइए ये क्या बताता है आपको, आपने अभी रिएक्शन में देखा, सबसे पहले आपने एक फंक्शन जाना कि अगर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, हमने क्या देखा था कि डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब क्या होगा, हमने देखा था कि डबल बॉन्ड यानी ई, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के अंदर है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन और ग्रुप्स, हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति। देखिए एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप इसके लिए हम लेते हैं, तो देखिए हम अगर इसका एग्जांपल लेकर लेंगे तो हमें ज्यादा इजी हमें समझ में आएगा। सी एच थ्री सी डबल बोन दो, सी एच टू सी डबल बोन दो, सी एच थ्री। अब देखिए इसमें अल्फा ग्रुप हम बात करें तो कितने हैं, हाइड्रोजन ग्रुप वन टू थ्री, और इसी प्रकार अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, वन टू, टू फंक्शनल ग्रुप है इसमें। अब देखिए यहाँ पर अटैक कर रहा है, दोनों में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक अनुनाद फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोनों को खींचने वाला कौन सा है, सी एच टू है बॉन्ड। आप देखिए यहां से एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अटैक किस पर करेगा, ऑक्सीजन पर करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन पर। तो हम देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2H5OH, ठीक है। अब यहां से हाइड्रोजन गया तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा इसका C2CH3C डबल बॉन्ड CH। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो यहां से कन्वर्ट नहीं होगा, वो हाइड्रोजन इधर से जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3। जब ये हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा तो रिएक्शन आगे क्या होगी, CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3 प्लस C2H5OH। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब देखिए यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि CH3, अब देखिए ये अनुनाद की संरचना बन रही है, ये अनुनाद की संरचना बन रही है, तो हम क्या करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए अनुनाद की संरचना बन रही है तो कार्बन के पास में ये है अटैक कर रहा है, तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसके ऊपर किस तरीके का ये रिएक्शन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए हो गया यहां पर डबल बॉन्ड भी आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो ये क्या हो गई इनोलेट। अब देखिए इसको हम बोल सकते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया, हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें, when CH2 group attach between two electron withdrawing two electron
withdrawing group, then CH2, then CH2, आप लिखते जाइए CH2, then CH2 cold. देखिए जो मैं बोलती जा रही हूं आप उसको कन्वर्ट करते जाइए. अटैच एंड मेथाइल, आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं. समझा आपने? ये मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है, इसके साथ इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया. हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक में देखो, नंबर ऑफ EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस प्रोपोजनल किसके होता है? एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर क्या होता है? हमारी अम्लीय प्रकृति होती है. देखिए अम्लीय प्रकृति में Ka, एक अर्थ क्या होता है? एक अर्थ अम्लीय प्रकृति होती है कि हमारा हमेशा होता है कॉन्स्टेंट. के का अर्थ होता है कॉन्स्टेंट, जिसका कोई भी मान नहीं होता है. तो हम उसका प्रोपोजनल करेंगे तो क्या आएगा? 1/PKa. अब देखो PKa का मतलब क्या होता है? माइनस लोग के. अब देखो लोग की बात करें तो लोग क्या होता है? लोग जो होता है हमारा, उसको हम बोल सकते हैं एक तरीके का ये फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, अब इसको लोग, इसको आगे की हम रिएक्शंस वगैरह में इसको काम में लेंगे. इसका हम आपको आगे एग्जांपल एक और बताते हैं. तो इसका हम माइनस लोग के को नेगेटिव लोगरिथम ऑफ एसिडिक नेचर भी बोल सकते हैं. इसका एग्जांपल लेते हैं. CH3CO, देखो CH3COH, तो हम कैसे इसको लिखेंगे देखिएगा आप. CH3COH H2O के साथ करेगा CH3O प्लस, ये इसके ऊपर है प्लस CH3COO माइनस. अब देखिए देखिए आप साथ साथ में लिखते जाइए. आप देखिए Ka बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता अपॉन में क्रियाकारक की सांद्रता. अगर हम इसको बोलें तो हम देखिए हमारी उत्पाद की सांद्रता कौन सी है? हमारी उत्पाद की सांद्रता है CH3COO माइनस, और हमारी क्रियाकारक की सांद्रता क्या है? CH3COOH. ये है हमारी. अब देखिए इसको हम बोल सकते हैं के ए प्लस बराबर जो होता है वो किसके होता है? H3O. किसके होता है? इसको हम बोल सकते हैं आयन, हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं. H को क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? H3O, हाइड्रोजन आयन है हमारा. ठीक है, तो देखिए के क्या है हमारा? Ka हमारा जो है वो है अम्लीय नियतांक, जो कि कांस्टेंट है हमारा. और हाइड्रोजन क्या है हमारा? आयन है. हम इसको बोल सकते हैं PKa is equals to minus log Ka.